महेंद्रगढ़ मुख्यालय को लेकर महेंद्रगढ़ के सम्मान में और हम सब के सम्मान में यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बार एसोसिएशन ने हमारे महेंद्रगढ़ के मान और सम्मान के लिए जो एक मुहिम शुरू की जिला मुख्यालय की, उसके समर्थन में आज तमाम जिले भर से जितने भी हमारे साथी युवा हैं, उनमें भी जोश है, बुजुर्ग हैं उनमें भी जोश है, नौजवान जितने भी हमारे साथी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आए हैं और जितने भी मातृशक्ति यहाँ पे पहुंची है, सभी का दिल की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। देखिए, आंदोलन कोई भी हो, उस आंदोलन के दो तरीके के व्यक्ति उस आंदोलन में होते हैं, एक आंदोलन को बनाने वाले और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आंदोलन को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन को बनाने वालों की संख्या ज्यादा है और बिगाड़ने वालों को एक मिनट में चुप कर दिया। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का जो आज महेंद्रगढ़ मुख्यालय की मांग को उठाने के लिए, अपना सर कटाने के लिए तैयार खड़े हैं। और मैं स्कूलों के, जितने भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से यहाँ पे आया हूँ, एक आह्वान किया था महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने कि सभी प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। हमने ये कहा कि स्कूल ही बंद नहीं करेंगे, अगर आपको गांव से लोगों को बुलाने के लिए बसों की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम मुहैया करवाएंगे। आपके साथ हर तरीके से है, तन से है, मन से और धन से है। आप जो आदेश कर देना, आपके लिए हमेशा हाजिर मिलेंगे। और जिला मुख्यालय, हम सब की मांग है, हम सब का हक है, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है सबका हक है और एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय आज हमारी ही जरूरत नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी थी, आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जरूरत है। और जो हमारे बुजुर्ग जो नार नोड़ के चक्कर काट काट के आज भगवान को प्यारे हो गए, उन्होंने तो देखा है नहीं कि जिला मुख्यालय क्या होता है। आज हम जागरूक हुए, जागृत हुए और जब जाके तभी सवेरा एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय महेंद्रगढ़, जय महेंद्रगढ़, जिला मुख्यालय लेकर आएंगे, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।